यशोमती मैया के नंद लाला। कान्हा जी देख, जी है रामू तेरा भैया, और जे है सबला तेरी मौसी। देखो जी, कान्हा को देख के सबला की भी ममता उमड़ आई। सुनो, पूरा गांव घुमानो है, उसके पहले ही मेरे कान्हा की बुरी दृष्टि उतार लेते हैं। नहीं आज हे गौ माता, आज तुम्हारा भतीजा पहली बार घर से बाहर निकल रहा है, इसे सबकी बुरी दृष्टि से बचाइयो। नारायण देखा प्रभु, लोग आपके चपलासुर का कितना सम्मान करते हैं, पर आपके दरबार में मुझे आपका चापलूस कह के ही पुकारते हैं प्रभु कंस। पर अब ये सब बदल जाएगा, अब लोग मुझे प्रभु कंस का चापलूस नहीं, विशेष विश्वास पात्र कहकर बुलाएंगे। ये नया सिंहासन उसके लिए है जो मेरा विश्वास पात्र बनेगा, मेरे दाहिने हाथ की तरह। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मैं, ये देखने कि प्रभु कंस का कार्य करने के लिए सब लोग इतना हिचक क्यों रहे हैं। ऐसा क्या है उस बालक में? नारायण, नन्ना जी देख, जे है तेरी प्रभावती मौसी का घर। और वो देख, वो रहा तेरे दाऊ का घर। देख क्या रोए, तेरे दाऊ भी चल रहे हैं हमारे साथ। ये वही है क्या जो चपलासुर से विशेष विश्वास पात्र श्री चपलासुर जी बनने तक की यात्रा में मेरी सहायता करेगा? ताऊ, ताऊ देखो कान्हा आयो है। कान्हा, घर से बाहर आकर तो और भी निखर गए हो गोकुल का राजकुमार। हाँ, अपना पहला गांव दर्शन में बड़ा आनंद ले रहा हूँ लल्ला। सच्ची कही भोला भाई, आज कछु अधिक ही प्यारा लग रही है जे। जी क्या भीड़ लगा रखी है तुम सबने? हाँ जी, मेरा लल्ला है, कोई दिखावट की वस्तु थोड़े ना है। सब फेर के खड़े हो गए। यशोदा जी देखो, रोहिणी जी भी आ गई। चलो सब सीधे मंदिर चलते हैं। हाँ चल। ताऊ, बड़े होने के नाते आपको मुझे घुमाना चाहिए, पर ध्यान रखना, आज आपको मैं ले जा रहा हूँ मंदिर।
ये कैसे संभव है? ये अवश्य वायु के वेग से ही बच रही होंगी। प्रणाम। आशीर्वाद। आयुष्मान भव। अरे जशोदा जी, कान्हा को पहली बार मंदिर लेके आई हो ना? बहुत ही अच्छे समय पे आई हो। देसी घी का हलवा बनाया मैंने प्रसाद में। इतनी अच्छी सुगंध, हलवा तो स्वादिष्ट लग रहा है। चलो, कुछ तो अच्छा किया सुलक्षणा चाची ने। मेरे लिए इतना बड़ा भाग, पता नहीं था कि इनका हृदय इतना बड़ा है। सबको प्रसाद दे दियो, अब स्वयं भी तो खाना चाहिए। अरे चाची, पहले मुझे तो खिला देती। अरे मैं तो कान्हा को देना भूल ही गई। चलो, विलंब से ही सही, मेरा स्मरण तो हुआ आपको। आहा, अभी नहीं खाना, तनिक बड़ा हो जाना फिर खाना जितनी इच्छा हो। हाँ हाँ, हंस लो चाची, आपने नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरे बाबा अवश्य देंगे, देख लेना। बाबा, मुझे क्यों नहीं खिलाया आपने? दाऊ, मैं आपको घुमाने लाया, कम से कम आपको तो अपने छोटे भाई का स्मरण रखना चाहिए। मेरी मैया मुझे अवश्य खिलाएंगी। देखो जी, इसका भी मन कर रहा है खाने का। मैया है ना, तेरी मैया ने अपने कान्हा के लिए पहले से ही बचा लिया था। ठहरिए रानी जी। पहली बार कुछ खाने को मिल रहा था पंडित जी, रोक क्यों दिया? अभी बालक का अन्न प्राशन नहीं हुआ है। हाँ यशोदा, सदानंद जी सही कह रहे हैं, दूध मुहे बालक को ठोस अन्न प्राशन के पश्चात ही खिलाना चाहिए। ना नन्ना, तू बस अन्न प्राशन तक रुक जा, उसके बाद तू जो कहेगो ना, तेरी मैया खिलाएगी तुझे। ये तो साधारण सा बालक है, बहुत ही सरलता से मैं उसे अपने मार्ग से हटा दूंगा। क्या था? मेरे दाऊ शेषनाग के अवतार हैं चपलासुर, इनके रहते तुम मुझे हानि पहुंचाने का विचार भी मन में लाओगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। दाऊ, अकेले अकेले प्रसाद खाकर ठीक नहीं किया आपने। पंडित जी, जी हमारा कान्हा घुटने के बल चलने लगो, तो क्यों ना इसका अन्न से परिचय करा दियो जाए। नंदराज जी, दो दिन में पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है, तभी कर लेते हैं अन्न प्राशन संस्कार।
दिन की प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। जीजी, मेरा तो मन किया आज ही कर दूं अपने कान्हा का अन्नप्राशन। यशोदा, मैं तुम्हारी हृदय की पीड़ा समझती हूँ, पर तुम्हें और तुम्हारे लल्ला को 2 दिन और ठहरना है, ठीक है? अरे अरे अरे, बस भर गया। लो जीजी, प्रसाद नहीं मिला तो माखन तो है।